please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। 29 जुलाई को तबियत बिगड़ने के बाद करुणानिधि को कावेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 11 दिन चले इलाज के बाद एम करुणानिधि ने मंगलवार को शाम करीब 6 बजे सबको अलविदा कह दिया, जिसके बाद कावेरी अस्पताल के बाहर जुटे उनके समर्थक गम में डूब गए। अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए 2000 से ज्यादा लोगों ने करुणानिधि के निधन के बाद मातम मनाया। इस बीच कई समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल की दीवारों पर चढ़ गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। यही नहीं, करुणानिधि के समर्थकों ने अस्पताल के बाहर लगाए गए कई बैरिकेड को भी नुकसान पहुंचाया, साथ ही वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस बीच करुणानिधि के पार्थिव शरीर को गोपालपुरम में उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस में रखा गया, जिसके बाद उनके समर्थक पार्थिव शरीर की एक झलक देखने के लिए बेकाबू हो गए। करुणानिधि की मौत के बाद कावेरी अस्पताल की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये दावा किया गया 94 साल के करुणानिधि को इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन बाद में उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। करुणानिधि की मौत से उनके समर्थकों को गहरा धक्का लगा। यही वजह रही कि जिस दौरान उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा था, तब उनके समर्थक भी एम्बुलेंस के आगे आगे चलते रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने करुणानिधि के निधन पर दुख जाहिर किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद जब करुणानिधि का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, तो वहां उनके घर वाले भी गम में डूबे दिखाई दिए। परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं, तो करुणानिधि के बेटे और डीएमके नेता एमके स्टालिन की आंखों में भी आंसू दिखाई दिए। करुणानिधि के घर के बाहर भी उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और सभी लोग अपनी छाती पीट कर करुणानिधि की मौत पर मातम मनाने लगे। हालात को देखते हुए करुणानिधि के घर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जिसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद एक एक करके कई लोगों को करुणानिधि के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मकान के अंदर जाने दिया गया। डीएमके और दूसरे सियासी दलों के कई बड़े नेताओं ने करुणानिधि के अंतिम दर्शन किए और उन्हें नमन किया। इसके बाद अभिनेता रजनीकांत भी वहां पहुंचे और करुणानिधि की मौत पर दुख जाहिर किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी करुणानिधि के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। हालांकि बाद में करुणानिधि के पार्थिव शरीर को उनकी बेटी कनिमोई के घर ले जाया गया, जहां भारी संख्या में जुटे लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की सरवरी नदी के बीच फंसा एक आदमी सीढ़ी की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने गया ये आदमी सरवरी नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से वहां फंस गया, जिसकी जानकारी होने पर दमकल विभाग की टीम पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और नदी के बीच फंसे आदमी को बचाने में जुट गई। आदमी को सुरक्षित निकालने के लिए रस्सी से बांधकर एक सीढ़ी को उसके पास तक पहुंचाया गया, जिसके बाद नदी के किनारे मौजूद दमकल विभाग के कर्मचारी उस आदमी को सीढ़ी की मदद से पुल बनाने के निर्देश देने लगे। हालांकि तेज बहाव की वजह से नदी के बीच फंसे आदमी को सीढ़ी संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो सीढ़ी को नदी के बीच मौजूद एक पत्थर पर टिकाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसके पास एक और रस्सी फेंकी गई और उसे रस्सी को कमर से बांधने के लिए कहा गया। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 52 साल के ओम प्रकाश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी कम था, एकदम ही पानी बढ़ गया, फिर मैंने फायरवाल को फोन किया, फिर आए। नदी में एक आदमी के फंसने की भनक लगते ही वहाँ लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। लेकिन कुल्लू ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। नदियों के उफान पर होने की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। ऐसी एक भयानक तस्वीर किन्नौर में देखने को मिली। वहाँ नदी का किनारा बारिश की वजह से उफनते पानी के बहाव को तो नहीं सह सका और देखते ही देखते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नदी के पानी में समा गया, जिसकी वजह से नदी में धूल का गुबार छा गया और पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ काफी दूर तक बहते चले गए। प्रशासन ने इस तरह के हादसों की आशंका को देखते हुए लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने का अलर्ट जारी करने का दावा किया। लोग लापरवाही बरते हुए नदी किनारे जाते हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नदी नालों से दूर ही रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 36 घंटों से जारी भारी बारिश की वजह से 90 से ज्यादा सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के कोटद्वार के मनदीप सिंह के घर मातम फंसा गया। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बूती सिंह को बहादुर बेटे के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद होने पर गर्व है। शहीद के घर नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया है, लोग परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। गांव में शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार है।
संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी आरजेडी और सीपीआई के सांसद यूपी के दवदय कांड और बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड के मुद्दे पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने बीजेपी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में ये सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग की। इस्तीफा दो। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी पहुंची, जिन्होंने वहां मौजूद पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान डिंपल यादव ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को घेरा। जहां जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी को भी लपेटे में ले लिया। जो देश का मुखिया है और राज्य के दोनों जो मुखिया है वो महिलाओं का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोनों मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। न्यूज 18 इंडिया की कार्यक्रम बैठक में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल के आखिर तक राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद जताई। 2019 चुनाव राम टेंपल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, इस पर लड़ी जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ कि इस साल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जबकि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सुब्रमण्यम स्वामी के दावे को हवाई करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर 2019 चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी के लिए बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम कर दो, बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि गाय को इशू बना दो, जो सिपाही हमारे मारे जा रहे हैं उसको इशू मत बनाओ। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ये बताया जाए कि किस तरह से हमने हलाला ट्रिपल तलाक ये सब ध्यान भटाओ चीज़ें हैं, पर बीजेपी यही नहीं बताएगी कि हमारे जो डिफेंस का बजट है डिफेंस स्पेंडिंग 62 के लेवल पर चला जा चुका है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के महिला अधिकार सम्मेलन में पहुंचे। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला, लेकिन इससे पहले उन्होंने महिला कांग्रेस का अलग झंडा और लोगो भी लॉन्च किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने मुजफ्फरपुर और देवरिया रेप कांड के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। बिहार में छोटी सी बच्चियों का रेप होता है और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर भी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को सिर्फ पुरुष चलाएंगे, महिला इस देश को नहीं चला सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल पर पार्टी के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी पर राहुल गांधी के हमले का जवाब अमेठी में उनसे चुनाव लड़ चुकी स्मृति ईरानी ने दिया। देश की रक्षा मंत्री महिला है, देश की विदेश मंत्री महिला है, लोकसभा में भी स्पीकर साहिबा भी एक महिला है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ सियासत करने का भी आरोप लगा दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर और मेरठ में कांवड़ यात्रा का जायजा लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए। डीआईजी सहारनपुर रेंज शरद सचान, डीएम मुजफ्फरनगर राजीव शर्मा, एसएसपी मुजफ्फरनगर अनंत देव तिवारी समेत कई अधिकारी फूल बरसाते हुए दिखाई दिए। जल्द ही दिल्ली की सड़कों से 1,00,000 से ज्यादा डीजल गाड़ियां हटाई जा सकती हैं। एनजीटी ने पुरानी डीजल गाड़ियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोई रियायत नहीं दी और साफ किया कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को फौरन सड़कों से हटाया जाए। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3.25 लाख डीजल गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि इनमें कई गाड़ियां दिल्ली के बाहर जा चुकी हैं या कई गाड़ियां पहले ही सड़क से हटा ली गई हैं और करीब 1,00,000 डीजल गाड़ियां अब भी दिल्ली में हैं जो 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं और सड़कों पर दौड़ भी रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में प्रदूषण फैलाने वाली गैसों में एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 36% हिस्सा है, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से ही ये बनता है। जयपुर में IRS महिला अधिकारी पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसके मुताबिक अधिकारी ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला अधिकारी के कमरे को सील किया है। खुदकुशी करने वाली महिला अधिकारी के पति गुरप्रीत सिंह दिल्ली में IAS अफसर हैं।
पुलिस जल्द उनके पति से पूछताछ करेगी। महिला अधिकारी के परिजनों से भी बातचीत की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे मेरे मतलब पति और सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हरियाणा के पंचकुला में रोडवेज के कुछ कर्मचारी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया, जिसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा में देखने को मिला। वहां के पंचकुला में रोडवेज कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर केंद्र और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से बुलाई गई इस हड़ताल को कई संगठनों का समर्थन मिला। हड़ताल पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर रोडवेज के निजीकरण करने का आरोप लगाया। हमारी 729 जो किलोमीटर स्कीम पे बसें ले रही है हरियाणा सरकार, उस बस को हम किसी भी कीमत पे बेड़े में नहीं घुसने देंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 के लागू होने पर किराया महंगा होने का दावा किया और इस बिल को रद्द करने की मांग की, जिसके तहत अगर रोडवेज बस हादसे का शिकार हो जाए तो उसका हर्जाना ड्राइवर से वसूलने का प्रावधान है। यही बात रोडवेज कर्मचारियों को नागवार गुजरी, जिसे लेकर बुलाई गई हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। हड़ताल की वजह से कई यात्री सड़क पर घंटों बस का इंतजार करते नजर आए। ये बस ना मिली तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। हालांकि रोडवेज के चक्का जाम का फायदा निजी बस चलाने वालों ने उठाया और यात्रियों से कई जगह मनमाना किराया वसूला। प्राइवेट बस में आते हैं तो मन चाहे किराया लेते हैं वो, और पास अलाउड नहीं करते हैं, स्टूडेंट पास होते हैं जो। हड़ताल के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी आवाज़ दबाने का आरोप भी लगाया। साथ ही मांगे न माने जाने पर 20 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी।